हेलो फ्रेंड्स, ये वो केबल पैटर्न है जो मैंने अपने ये जो पिंक कलर का जो बच्ची के लिए बनाया है कार्डिगन उसमें इस्तेमाल किया है। तो ये एक 18+2 स्टिच का ये पैटर्न है और इसमें मैंने दोनों तरफ एक एक एज स्टिच भी लिया है। तो इसमें टोटल आपके 22 स्टिच हो गए हैं। तो अब मैं बनाना शुरू कर दी। तो मैंने पहला पहला रो बनाना है। तो पहला रो बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक जो पहला है जो फर्स्ट स्टिचेस को स्लिप करेंगे, फिर दो पर्ल बनाएंगे, दो पर्ल बनाएंगे, फिर आपको यहाँ पे आपको अब यहाँ पे C4F बनाना है। C4F एक मतलब केबल है चार फंदों का। तो उसमें C4F बनाने के लिए क्या करते हैं कि दो फंदे मैंने गिराए, फिर इसके बाद वाले दो फंदे मैंने इस कांटे पर चढ़ा लिए और ये वाले फंदे जो गिराए थे उसे इधर वाले इस पे चढ़ा लिए और फिर ये जो इस वाले पे चढ़ाए थे फंदे उसको वापस इस इधर वाले पे। तो यहाँ एक केबल बन गया जो कि आपको आपको लेफ्ट साइड में घूम रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये चार फंदे सीधे बुन लेंगे। चार फंदे सीधे बुन लिए, फिर दो फंदे सीधे, फिर अब हम मुझे यहाँ पे C4B बनाना है। C4B बनाने के लिए क्या करना है, हमें चारों फंदे गिरा देने। चारों फंदे गिरा देने के बाद जो पहले वाला फंदा इस पे उठा लेना है और बाद वाला फंदा इस कांटे पर उठा के फिर वापस इस पे चढ़ा देना। तो इसमें जो हमारा केबल बनेगा वो इस तरफ आपका मतलब राइट साइड घूमता है, ये कहलाएगा C4B। फिर इसे हम बिन लेंगे सीधा। फिर दो सीधा और फिर मुझे फिर C4B बनाना है। C4B बनाने के लिए चारों फंदे गिरा देने और पहले इधर वाला फंदा इस पर उठाना है और बाद वाला फंदा इस कांटे पर उठा के फिर वापस इस पर चढ़ा देना है और फिर इसे बिन लेना है। तो फिर चार सीधा हम बिन लेंगे। और दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अब इसे हम पलटेंगे तो दूसरे रो में और हर जो आपका उल्टा वाला रो आएगा तो जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बिनने हैं। जैसे जो उल्टा है उल्टा, जो सीधा है वो सीधा, इसी तरह बिन लेना। अब हमारा तीसरा रो आ गया। तीसरे रो में क्या करना है, ये एज स्टिच तो इसी तरह उतार लेना है, फिर दो फंदे जो उल्टे हैं उसे उल्टा बिनना है और फिर हमें यहाँ पे दो फंदे सीधे बिन लेने हैं। अब फिर हमें यहाँ पे हमें C4F बनाना है। तो इसे दो फंदे मैंने गिराए और पीछे वाले फंदे इस कांटे पे उठाए और ये वाले फंदे इस कांटे पे उठाए, फिर ये जो इस पे फंदे चढ़ाए थे उसको वापस इस पे चढ़ा लिया, फिर इसको चारों को सीधा बिन लिया। ये हो गया आपका C4F। फिर मैंने चार फंदे सीधे बिने, 3, 4। अब हमें बनाना है C4B। तो इसके लिए मैं चारों फंदे गिरा देना है और इधर वाले फंदे इस पे उठाना है, इधर वाले फंदे इस कांटे पर, फिर इसे वापस इस पे चढ़ा देना और फिर अब चारों को हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, फिर दो सीधा दो उल्टा और फिर एक सीधा। फिर जो हमारा चौथा कांटा जो है, चौथा रो जो जैसा है फिर वैसे ही बिन आएगा। अब पांचवे रो में हमें फिर क्या करना है,
कि पहला वाला उतार लिए पहला स्टिच, उसके बाद दो उल्टा, उसके बाद चार सीधा बिनेंगे, तीन चार, फिर हम आपको यहाँ पे आपका आ गया C4F बनाना है। C4F बनाने के लिए दो छोड़ दिए, फिर पीछे वाला उतार के इधर वाला इस पर उतार लिए, फिर ये वावे वापस इस पर चढ़ा के और इसको बुन लिए, फिर C4B बनाना। C4B बनाने के लिए क्या है, हमको चारों चार फंदे उतारना है, फिर एक दो इधर वाले इस पर चढ़ा के फिर वापस उस पर ले आना, ऐसे फिर बिन लेना। तीन चार, फिर चार सीधा और दो उल्टा, फिर एक सीधा, फिर उल्टे तरफ से हमें जो जैसा है सीधा को सीधा और उल्टा को उल्टा बिन लेना। सातवें रो आ गया हमारा। सातवें रो में फिर हम ये पहला फंदा उतार लेंगे, फिर दो उल्टा बिनेंगे और फिर यहाँ पे हम C4F बनाएंगे। C4F बनाने के लिए दो फंदे उतारे, इधर वाले फंदे इस पे चढ़ाएं, फिर ये फंदे इस पे चढ़ा के इधर चढ़ा लेंगे और फिर चारों को हम बिन लेंगे। फिर दो निट, दो सीधा और फिर यहाँ पे हमको C4F बनाना है। तो दो फंदे उतार दिए, फिर इधर वाले दो फंदे इस पे चढ़ाएं, इधर वाले दो फंदे जो गिरे हुए इस पे चढ़ा के फिर ये वाले फंदे को वापस इस वाले फंदे पर चढ़ा के बिन लेंगे। तो इस तरह हमारा C4F बन गया। फिर दो निट, फिर यहाँ पे C4B बनेगा। तो इसे हम चारों को उतार दिए, फिर इधर चढ़ा लिए दो वाले, इधर वाले दो इस पे चढ़ा के और वापस इसके ऊपर चढ़ा के फिर इसे हम सीधा बिन लेंगे। फिर दो उल्टा और एक सीधा और उल्टे की तरफ जो है फिर वैसे ही बिनेगा जो आठवीं पंक्ति हो गई। फिर नौ, जो नौ रो है वो आपका थर्ड रो की तरह, टेंथ रो फोर्थ रो की तरह, एलेवेंथ रो फिफ्थ रो की तरह और ट्वेल्थ रो सिक्स यानी छठे रो की तरह बिनाएगा। इस तरह हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। जब इसमें एक तरफ जो है एक बार में इस तरफ केबल जाएगा, एक तरफ इस तरफ केबल जाएगा, इस तरह करके ये आपका बनता जाएगा केबल।